बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से हरा चारा उत्पादन कर नई शुरुआत की है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है हाइड्रोपोनिक्स तकनीक। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का मतलब यह है कि पौधों को बिना मिट्टी के यानी जल संवर्धन विधि द्वारा उगाया जाना। इस तकनीक में मिट्टी का बिना प्रयोग किए आधुनिक तरीके से खेती की जाती है। खास बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल या पोषक तत्व किसी भी माध्यम से फसल को प्रदान नहीं किए जाते हैं। केवल शुद्ध पानी और अंकुरित बीजों को तापमान नियंत्रित कर फव्वारे द्वारा सिंचाई का प्रबंधन करने से सफलतापूर्वक हरा चारा उत्पादन किया जा सकता है। हाइड्रोपोनिक्स चारा उत्पादन करने के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है यह जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको तापमान नियंत्रण कक्ष या हाइड्रोपोनिक्स चारा मशीन की जरूरत होगी। फिर स्वस्थ बीजों का चयन, प्लास्टिक ड्रम या बाल्टी, जूट का बोरा, प्लास्टिक मग, हाथों की दस्ताने, वजन संतुलन, सिंचाई या सफाई के लिए शुद्ध पानी, सर्फ या वॉशिंग पाउडर और साफ सफाई के लिए कपड़ा।